नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया वर्ल्ड में और मैं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित गजानन कृष्ण महाराज। आज की दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में मैंने एक चीज़ पाई है, लोग पीपल आर वेरी मच स्ट्रेस्ड। आप जिसको देखिए डिप्रेशन में, आप जिसको देखिए स्ट्रेस में, आप उस पता नहीं किसी ना किसी टेंशन से, स्ट्रेस से घिरा हुआ रहता है। तो मुझे लगा क्या हम किसी ऐसे एक भगवान को हम देख सकते हैं, क्या हम किसी एक ऐसे देवी देवता से इंस्पायर हो सकते हैं जो हमको स्ट्रेस से दूर करे। जब क्योंकि हम लोग अपने मोटिवेशनल क्लासेस, मेडिटेशन, योगा की क्लासेस लेते हैं, तो मैंने कुछ ध्यान लगा करके पाया कि क्या ऐसा कोई देवता है जो हमको इंस्पायर करे कि हाउ टू बी मोटिवेटेड, हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री लाइफ, कैसे जिए। एंड तब दिमाग में आया एक ही भगवान, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, भूत भावन। फिर मैंने उनके जीवन को, उनका जो रूप रंग है, उनका जो जीवन है, उनका जो रहने का तरीका है, उनके शरीर पर जो जो चीज़ें हैं, उन सबको मैंने तालमेल बिठाने की कोशिश की। इस चीज़ को, इस प्रक्रिया में अपनी स्पिरिचुअलिटी के बल पर जब मैं आगे बढ़ने लगा, तो सबसे पहले मैंने पाया भगवान शिव के मस्तक पर आप देखिएगा चंद्रमा और उसमें से गंगा जी निकलती है। अब यहाँ गंगा का मतलब वाटर हुआ, पानी हुआ। और एक भगवान शिव के एक मस्तक पर तो गंगा मिलेगी और आप उन्हीं शिव जी के नीचे आइए, यहाँ पर आपको यहाँ से थोड़ा ऊपर, गंगा जी से थोड़ा नीचे तीसरा नेत्र मिलेगा, अग्नि। जस्ट इमेजिन व्हाट अ बैलेंस्ड लाइफ लॉर्ड शिवा हैज। सर पर गंगा है, पानी है, और यहाँ पर अग्नि है। कैसे भगवान शिव ने अग्नि को, यानी फायर को और वाटर को बैलेंस करके रखा है। हम अंत में आएंगे, कुछ चीज़ों को मैं मैच करने का प्रयास करूँगा और अंत में हम इंस्पायर हो सकते हैं लॉर्ड शिवा से। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आई भगवान शिव को लेकर के, भगवान शिव के मस्तक पर आप देखिए चंद्रमा है, और हम कहते हैं चंद्रमा में अमृत होते हैं, इसलिए हम कोजागिर आदि जो त्यौहार करते हैं, शरद पूर्णिमा, कहते हैं चंद्रमा में अमृत का वास होता है। जस्ट इमेजिन जिस चंद्रमा में अमृत का वास, और उन्हीं शिव जी के गले में नीचे जहर, विष का प्याला, विष पिया है, इसलिए बैठ गए वहाँ हरिद्वार के पास, नीलकंठ अपने गले को नीलाकंठ कर लिया अमृत मंथन के समय। सोचिए एक गले में विष लगा हुआ है और दूसरे उसी मस्तक पर चंद्रमा के अंदर से अमृत, तो अमृत और पॉइजन का, और किस तरह भगवान शिव ने बैलेंस किया है, ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात, हम जब, और आप नीचे आइए भगवान शिव के, हम जब जीवन को देखते हैं और नीचे आइए, आप जब भगवान शिव को देखेंगे उनकी सवारी क्या है, भगवान शिव की सवारी, भगवान शिव की सवारी बैल होती है, नंदीश्वर जिसको हम कहते हैं। आप भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती देवी उमा, उनकी सवारी सिंह। लेकिन देखिए यहाँ भी कितना बड़ी ट्यूनिंग है। आप कभी आप इन रियल लाइफ आप देखेंगे रियल वर्ल्ड में, तो पार्वती की जो सवारी है या फिर जो शेर होता है उसका दुश्मन होता है नंदी, लेकिन दोनों किस तरह मैच्ड है ये देखिए। और आप आगे बढ़िए, भगवान शिव के गले में आप देखेंगे सर्प मिलेंगे, लेकिन भगवान शिव जी के जो पुत्र है गणेश जी, उनकी सवारी मूसक माउस और सर्प, दोनों की ट्यूनिंग देखिए कितनी बढ़िया है। ये सब चीज़ें आप जब, मैं आपसे इस ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लाइफ में रियली, इफ़ यू वांट टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, एंड इफ़ यू रियली वांट टू गेट इंस्पायर्ड विथ एनी लॉर्ड, देन दैट इज़ लॉर्ड शिवा इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट मैनेजमेंट गुरु। किस तरह हम परिवार को, अपने परिवार के लोगों को, पत्नी को, पिता को, भाई को, बहन को, फ्रेंड्स को साथ में लेकर के चले, ये हमें भगवान शिव इंस्पायर करते हैं। इसलिए आई विल अर्ज ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, भगवान शिव की शरण में आइए। श्रावण का महीना हो, शिवरात्रि हो, जब भी हो, भगवान भोलेनाथ इज एनी टाइम अवेलेबल 24 आवर्स। आप उनकी शरण में आइए एंड श्योर आई कैन अश्योर यू विल फाइंड द रियल पीस ऑफ माइंड एंड यू विल बी स्ट्रेस फ्री, विल बी फ्री फ्रॉम डिप्रेशन। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।